नमस्कार, मैं हूं अनुराधा तुरान और आप देख रहे हैं nvnews.com। आज हम बात करेंगे कि साल 2018 में हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ बवाल मचा। साल 2018 सियासी तौर पर हरियाणा के लिए काफ़ी उठापटक से भरा रहा। कई राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदले, इन्हीं के साथ समीकरणों का उलटफेर भी नजर आया। चुनावी उद्घोष से पहले हरियाणा में राजनीति का मिजाज ऐसा बदला कि अपने ही अपनों के सामने लाव लश्कर के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार खड़े दिखाई दिए। जय दुर्योधन, अब हम जाते हैं, अंतिम संकल्प सुनाते हैं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन हो या मरण होगा। दुर्योधन, तू धराशायी होगा और हिंसा का उत्तरदायी भी होगा। ये ठीक वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र की धरती पर महाभारत लड़ा गया था। वो युद्ध भी सत्ता के लिए अपनों के बीच था और हरियाणा की सियासत की लड़ाई भी सत्ता के लिए अपनों के बीच है। साल 2018 का सबसे बड़ा घटनाक्रम रहा इंडियन नेशनल लोकदल का तोड़फोड़ होना। काफी समय से चाचा अभय चौटाला से नाराज चल रहे भतीजे दुष्यंत के सब्र का पैमाना छलक गया और आखिर में इसी नाराजगी से जननायक जनता पार्टी का अंकुर फूटा और एक नया दल हरियाणा की सियासी जमीन पर खड़ा हो गया। दरअसल 7 अक्टूबर को गोहाना में हुई सद्भावना सम्मान रैली ने हरियाणा की राजनीति में नए दल की नींव रख दी। सांसद दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की लॉबिंग और ब्रांडिंग अभय चौटाला को रास नहीं आई और इस रैली में नारेबाजी और अनुशासनहीनता का आक्षेप लगाकर अभय चौटाला ने पिता ओम प्रकाश चौटाला की मंजूरी लेकर दोनों भाइयों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में जेल से बाहर आए अजय चौटाला ने भी दोनों पुत्रों की पीठ पर हाथ रखते हुए नया दल बनाने का ऐलान कर दिया। 17 नवंबर को दोनों ने अपनी अपनी बैठक बुलाई और इसी बीच इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अजय चौटाला को भी ओम प्रकाश चौटाला ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 9 दिसंबर को दुष्यंत चौटाला ने जींद में जननायक जनता पार्टी का ऐलान कर दिया। हालांकि दुष्यंत चौटाला केवल 3 ही विधायकों का समर्थन जुटा पाए, लेकिन उन्होंने अपनी सक्रियता से यह साफ कर दिया है कि अब उनकी राजनीतिक राहें अभय चौटाला से हमेशा के लिए जुदा हो गई हैं। तमाम मनोवलों के बाद भी आखिरकार पार्टी बिखर गई। इससे पहले हरियाणा में सियासी रिश्ता भी जुड़ा था बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का। इस रिश्ते को अभय चौटाला ने भाई बहन का रिश्ता करार दिया और कहा कि ये रिश्ता सियासी नहीं बल्कि संबंधों का मेल है। मसलन बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ेगी। 15 साल से सत्ता से बाहर चल रही इंडियन नेशनल लोकदल हाथी पर सवार होकर सत्ता के पायदान तक पहुँचना चाहती है। दिसंबर आते आते बहुजन समाज पार्टी ने अपने नेता और विधानसभा में डिप्टी स्पीकर अकरम खान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी साल इनेलो के जींद से विधायक हरिचंद मिड्डा का निधन हो गया। अब उपचुनाव सिर पर है, ऐसे में भाजपा ने हरिचंद मिड्डा के बेटे को भाजपा में शामिल कर इनेलो के नहले पे दहला मार दिया है। यह उपचुनाव जीतने वाली पार्टी को बूस्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में खींचतान बढ़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई सभी अपने अपने ढंग से हरियाणा में पार्टी गतिविधियों का झंडा थामने के लिए हाईकमान पर दबाव बनाते नजर आए। सबसे अधिक घमासान हुड्डा और तंवर के बीच मच रहा है। खूब देखी मोदी खट्टर तुम्हारी सरदारी, जो पड़ रही हरियाणा पर भारी, डिफॉल्टरों पर रहम और किसान मजदूर नौजवान पर सितम, ये वो बड़ा तंज था जो कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर कसा था। हरियाणा बचाओ परिवर्तन लाओ जैसी साइकिल यात्रा भी खूब निकाली गई, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी रथ यात्रा निकालकर प्रचार और प्रसार किया।
सबसे बड़ा घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी में बगावत को लेकर हुआ। कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजकुमार सैनी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बागी तेवर दिखाते हुए न केवल भाजपा के आलाकमान को चुनौती दी बल्कि जाट विरोधी और पिछड़े वर्ग हितैषी राजनीति के थीम पर अपनी अलग पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा मंच का ऐलान कर दिया। पानीपत के मैदान में भीड़ जुटाकर राजकुमार सैनी ने पिछड़ों पर अपनी पकड़ का एहसास भी करवाया। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार सैनी का विधिवत निष्कासन नहीं किया है, लेकिन राजकुमार सैनी अपनी पार्टी बनाकर पूरे हरियाणा में सभाएं कर रहे हैं और अब 2019 के सियासी महाभारत में कौरवों और पांडवों की तरह अपनों के ही खिलाफ सियासी शस्त्र लेकर लड़ाई के लिए तैयार दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद की हसरत कई नेताओं से दबाए नहीं दब रही। इसी बीच कभी चौधरी बीरेंद्र सिंह तो कभी राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने के लिए सियासी दांव पर चलते नजर आते हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के चार विधायकों ने राव इंद्रजीत के इशारे पर मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने यह भी इशारा किया है कि कई और विधायक हमारे साथ हैं, ऐसे में विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी को घेरने और चुटकी लेने का मौका मिल गया है। लेकिन साल 2019 के चुनावी समर में उतरने से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी संजीवनी मिल गई है। हाल ही में हुए 5 नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। भाजपा के 5 मेयर चुनाव जीतकर कमल खिलाने में कामयाब रहे। पानीपत में भारतीय जनता पार्टी की मेयर अवनीत कौर भारी मतों के अंतर से चुनाव जीती, ऐसे में पार्टी आलाकमान बाग बाग है और शहरों से आए नतीजों को लेकर खासा उत्साह भी है। अब पार्टी को उम्मीद है कि 5 बड़े शहरों में कमल खिलने के बाद जनता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों पर मुहर लगा दी है। ऐसे में कोई ताज्जुब नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही करवा दे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हरियाणा में अपनी सियासी सक्रियता खासी बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल और स्कूलों का हवाला देते हुए हरियाणा के कई शहरों का दौरा कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में सियासी जमीन तलाश रहे हैं। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि अरविंद केजरीवाल का झाड़ू हरियाणा से अपने लिए कुछ बटोर पाता है या नहीं। इसी बीच ब्राह्मणों के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भी इस साल में 2 रैलियां कर अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। हाल ही में उन्होंने पीपली में एक रैली कर प्रदेश के तमाम बड़े ब्राह्मण नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा करने की कोशिश की है ताकि आने वाले दिनों में राजनीति की हिस्सेदारी मिल सके। कुल मिलाकर साल 2019 के चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों और बड़े नेताओं ने अपने लिए सियासी जमीन तैयार करने के लिए पूरी कसरत की है और इसके क्या नतीजे होंगे साल 2018 ये सब 2019 को सौंपकर विदा हो रहा है। आइए करते हैं साल 2019 का इस्तकबाल नई उम्मीदों के साथ। नमस्कार। आज कहीं ना कहीं